हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स है। इसका पार्ट वन वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, ये साइंस का दूसरा वीडियो है, ठीक है। 24 क्वेश्चन लिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प का क्या नाम है? आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका आंसर बताइए, रेफ्लेसिया, कमल दो ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स, या सूर्यमुखी, इसमें कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया, ठीक है। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ का क्या नाम है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ का क्या नाम है? जल, प्रोटीन, चर्बी या खनिज, आप इसका आंसर लगाइएगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जल, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? ए 4 या 12 या 20 या 28, कितने दांत दो बार विकसित होते हैं फ्रेंड्स? इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है, 20 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मटर का पौधा इनमें क्या है? मटर का पौधा इनमें क्या है? साक, तना, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा साक, ठीक है। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी टॉप लेवल के क्वेश्चन है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा इनमें कौन सा रोग होता है? TB, निमोनिया, कैंसर या एड्स? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है, ठीक है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर? इसका सही आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तरंग एवं कण दोनों के समान, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? रंगीन पदार्थों को पहचानने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, या एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में? इसका आंसर बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, ठीक है, एक नहीं होगा, मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट, आंतों के रोगों को निदान में निम्नलिखित में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? आंत के रोग जो होता है फ्रेंड्स, उसको उपचार करने के लिए कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक्स किरण का, या अल्फा किरण का, गामा किरण का, या बीटा किरण का? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस पानी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, निर्जल बर्फ है, या फिर ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड है? फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्स लिखा गया फ्रेंड्स, वो गलत है, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड होना चाहिए था, ठीक है। तो बताइए शुष्क बर्फ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, दूरदृष्टि निवारण के लिए इसमें किसे काम में लेते हैं? दूरदृष्टि निवारण के लिए किसे काम में लेते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे इसमें लिखा गया है, किसे काम में लेते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या फिर हवा से? फ्रेंड्स ये तो आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा जो होता है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो सूर्य से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? कौन सा धातु? ग्रेफाइट, जर्मेनियम, तांबा या चांदी? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, होमोलाइसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस? बताइए फ्रेंड, खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे डायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या फिर एस्कॉर्बिकम? कौन से इनमें कौन हार्मोन है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? एथिलीन। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? जस्ता, लोहा, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ये साइंस का दूसरा पार्ट था तो आप पहला पार्ट को देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। आज से लेकर आपके एग्जाम तक हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।